हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए हमारा न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 7 बज गए हैं और मुकालते में, आज बच्चे मुकालते में। मुकालते में ये सबसे बढ़िया है। 7 बज गए बेटा, 7। आज सोच रहे ये संडे है, लेकिन आज संडे नहीं है, आज सैटरडे है। और ये चौधरी बन गया, कह रहा कहने लगा, हे मेरा पुरुष दे था, लाओ रे बुला के मुझे। अच्छा, देखियो भला योजता बड़ा, और उसे ही देना चाहिए से। और देखो ब्रश कहाँ मंगा रहा है भाई। भाई यहीं बरामदे में ही होगा कि भाई ब्रश कहाँ होगा, ब्रश पानी के पास जाके। वैसे चाहे वो ब्रश ना करो ना हो ना, पर स्कूल में जरूर जाओगा। ये करता ही ऐसे है, अच्छा बच्चा है ये, और इसकी आदत धीरे धीरे सुधर रही है, बल्कि ऑलमोस्ट सुधर ही गई है। चिंकी ने मंगाया है अपने लिए एक हेयर ऑयल। तरह तरह के ऑयल यूज करके देखता है जब बंदे के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब मैंने तो बंद कर दिए, क्योंकि सब ऑयल होते ऐसे ही हैं, किसी से कोई मुश्किल ही लगता है थोड़ा बहुत फ़र्क। लेकिन भाई जब स्टार्टिंग होती है ना एयरफॉल की किसी की, तो वो अलग अलग तरह तरह के ऑयल यूज़ करके देखता रहता है। और ये पापा ने मेरे लिए ऑयल मंगाया है, मंगाया है अब इस्तेमाल नहीं किया है। फ़र्क लगेगा तो ही आपको बताएंगे, अदरवाइज तो नहीं बताएंगे। तो पहले से यूज करके देखेंगे, और यूज करने में जो है 10 दिन में तो कुछ रिजल्ट आता ही एकदम से तो आता नहीं है। अब फिलहाल भाई उठ जा, आरुष आँख मिचोली, देखो ऐसे करता है ये। लेकिन ये जाना तो पड़ेगा ही बेटा, कुछ भी हथियार इस्तेमाल कर लो तुम, इमोशनली अत्याचार खूब कर लो, लेकिन जाना पड़ेगा। देखो नंदनी रेडी होने जा रही है, और आरुषि भी, अब तू भी हो जा। अब ये मत कहलवा हमें यार, जलील मत करवा कि तुझे लाड़ लाड़ में चढ़ा रखा हमने सिर पे। सिर से थोड़ा नीचे उतर और अपने काम पर लग जा। अभी फ़िलहाल जो है पानी आ गया गर्म, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, गर्म पानी पी लेते हैं भाई। सुबह के 8:10 हो चुके हैं, गुड्डू चिंकी रेडी हो गए, छोटे बच्चे चले गए। आज तो भाई गाड़ी निकल जाती, रोज़ रोज़ के यही नखरे कि मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा, और फिर कह देता है चलो मुझे भी तैयार कर दो। और जो शुरू में ही तैयार हो जाए तो ना तो वो लेट हुआ है ना अपने काम में लेट हुआ है। तो फिलहाल इन दोनों में हो रही थी बहस। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, पर मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे कल एग्जाम खत्म हो गए थे, तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि चलो चले जाओ, कुछ तो होगा स्कूल में। एक दिन छुट्टी नहीं मार सकती हमारे पे आके देखो, उस दिन छुट्टी मारी थी तो मारी थी, स्कूल गई नहीं थी मैं। तन्ने तो सेवा करी थी, धर्म लाभ उठाया था, है नहीं? चलो तो अब चले, बस का टाइम हो गया। देखो कितना प्यार दिखा रही है एक दूसरे में, वैसे पता नहीं कितना है। बाहर जाके सही है, घर में ही तो है। सुबह के टाइम दोनों में ये हो रहा था, तू तैयार नहीं, मेरे तो पहले तू तैयार नहीं, तू लेट करे, लेट कोई सी नहीं होती। क्या कह रही? कह रही चिज्जी लाएंगे मम्मी, रोज कुरकुरे लेवे, कुरकुरे लेवे रोज दुकान में, थप्पड़ ऐसा मारूंगी। कल मम्मी ने चिप्स दिए थे घर से ही, और रोज कुरकुरे लेवे टॉफी, अन्य कुरकुरे डेली लेने वो तो मैंने इसलिए दे देते, मगर रखे हुए थे खराब हो जाते। और भाई अब जाके नाश्ता पानी हुआ हमारा, बच्चे उच्चे भेज गए स्कूल, और आज बनाए हैं भाई ये क्या हो रहे हैं ये, इन्हें चिल्ले, उत्पम, उपमा, क्या है ये? रवा चिल्ले, रवा चिल्ले, रवा चिल्ले बता रही हैं। तो रवा पूछा गया है ना सूजी को। अच्छा, सूजी को रवा भी बोलते हैं। हाँ। तो सूजी के चिल्ले हैं भाई ये, और ये रवा के चिल्ले भी बता मैं, या कह रही रवा भी बोल रहे हैं इसे सूजी को, और कई नाम से बोलते होंगे, पर हैं जरूर वही हैं ये जो ये बता रही, दिल पात रख के बता रहा वही हैं ये। अभी मैंने कर लिया है नाश्ता, और नाश्ता करने के 15 मिनट बाद अभी ले रही हूँ ये दवाई। ये देखो 4 गोलियाँ हैं ये, और गला इतना दुख रहा, बहुत ज़्यादा खराश हो रही, आवाज़ भी साफ नहीं निकल रही, और नाक से पानी चल रहा, छींके बहुत आ रही, मतलब मौसम चेंज होने का इतना सर हुआ। और रात में इसी के सामने नहीं सोई, दूसरे रूम में सोई थी, स्टोर रूम में पड़ा है वो, खाली पड़ा कल दिन में भी और रात में भी, तो सबसे अलग सोई थी इसी वजह से। तो जी चलिए अभी दवाई ले लेते हैं। तो 2:30 बज गए भाई, 10:30, और खाना दाना रोज़ाना बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पेट को भाड़ा भी चाहिए भाई। जब ही चले हैं गुड्डे नु बतावें, तो आज सब्जी में ले लिया था यो, इसे बोल रहे हैं साग हम, यहाँ गांव की भाषा में साग। वैसे बनने के बाद हो जब ये हंडी में बन जा, लेकिन यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर जो है मोस्टली साग ही कहा जा,
कच्चे को भी तो कि भाई साग ले लो, तो ये पालक है, पालक ले लो, चना ले लो। लेकिन हम भी सीख गए धीरे धीरे कि ये पालक है और इसमें चना है और क्या क्या सरसों के पत्ते भी हैं। और देखो इतना ही कूड़ा निकलना ये तो स्वाभाविक है। माँ ये कह रही बताओ ये भी उतने ही रुपए किलो आ रहा जितने रुपए किलो ये हंडी में बनेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि माँ ये तो इतने रुपए किलो ही तुलेगा। ये तो पहले से ही तुलता आया सदियों से, परंपरागत है इसका तोलना। तो अब छांट के तो देने के नहीं वे क्योंकि ये तो खेत में तो कटिंग होकर होगा, तो ये तो हर सब्जी में निकलेगा, इसका कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। माँ कह रही थी इसलिए मैंने बता दिया आपको भी। इसके साथ में लिया शिमला मिर्च, ये यहीं से ली फेरी वाले पे से सब्जी। और मैं ये देख रहा था भाई ये ताजी भी है क्या, क्योंकि इसके जो डंठल है ना इससे पता लग सके कि ये ताजी है बासी है, लेकिन ठीक ठाक सी है। कल तक जब तक इसका नंबर आवेगा बनने का तब तक हो सकता है ये बासी हो जा, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई। और बस ये अभी बनेगा वहाँ या शाम को बनेगा? ये शाम को बनेगा, ये शाम की तैयारी है ना कि अभी की। अभी जो लंच है उसमें कुछ और प्लानिंग होगी बनाने की जो बनेगा दोपहर में, ये है शाम के लिए। तो आज शाम जो है साग बनने वाला है हमारे यहाँ पे हंडी का, ये अभी से पता चल गया सबको। सबको क्या, अभी तो फिलहाल मैं और माँ है यहाँ पे और दो ये बहुएँ हैं घर की, इन्हें ही पता है, बच्चों को नहीं पता है। बच्चे खा लें माँ इस साग को? एक आरुषी है ऐसी तो सब चीज़ खा लें, और उसको देख कैसे वही नाक मारा। आरोसी घर में ऐसी बच्ची है कि भाई जो सब चीज़ खा लेती है, सब्जियों में खाने में जो भी बनता है, नहीं तो सबको नाक मारना। और तो और हमारी वो छुटकी ना नंदनी, वो भी तरकीब बता लगी कुछ ना कुछ, वो भी ये बतावे ये नहीं खाना मुझे, ये खाना वो नहीं खाना। आलू की ऐसी आदत पड़ रही है यहाँ पे, आप लोग कहते तो हैं भाई आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ये भाई ना आदत ही पड़ी है इनकी डाइट में शामिल ही है आलू। बच्चों की तो ठीक है लेकिन बड़ों के लिए भाई आलू ठीक नहीं रहता रोज़, लेकिन इनके साथ में हमें भी खाना पड़ेगा। कुछ बजट में भी आ जा भाई, फिर 100 रुपये के धड़िया में बाकी सब्जी 50 रुपये 40 रुपये किलो आवे, तो इसलिए सस्ते भी पड़ जाएँ। बजट को मेंटेन रखो जहाँ रसोई के। टमाटर में नरमी है फिलहाल, पिछले 2 महीने से टमाटर पे बहुत ही आग बरसी, आग का मतलब आप समझते ही हैं। तो भाई दिन हर किसी के आते हैं, टमाटर के दिन चले हैं वे पूरे नखरे दिखाने वाले। तो फिलहाल अब इसकी शुरुआत हो चुकी, आगे आगे जैसे सर्दी आवेगी तो ये ज़्यादातर हमारी डाइट में शामिल रहेगा। चना, पालक, सरसों, बथुआ भी आ जा, लेकिन अभी आ नहीं रहा होगा वो। गुड्डू चिंकी स्कूल से आ गए हैं। चिंकी बोल रही भगवान के नाम की सबसे पहली बारिश मेरे हाथ पर लगी तो मोटी मोटी बूंदे आ गई है, काफ़ी देर से गर्जना तो हो रही है बादलों में, लेकिन हम बैठे हुए बात कर रहे थे और यहाँ पे पिताजी बोल कर गए थे जितने भी कपड़े सूखे हुए हैं हमारे वे सारे के सारे इकट्ठे करके रख दियो, और प्रीति ने उपले गुस्से बिगना ही उठाने शुरू कर दिए और दोनों जो है इन्हें अंदर छावे में रखेंगे। तो फटाफट से लगना पड़ेगा हमें काम पे, नहीं तो ये भीग गए तो पिताजी ने कहेंगे आराम से बैठ कर बात बना रही थी और ये सारे गुस्से इन्होंने भिगो दिए। तो भाई सब ने मिल के फटाफट से जितने भी सामान बाहर पड़े हुए थे वो सब संगवा दिए हैं, और गुड्डू के पापा काफ़ी देर से नाश्ता करवाने जा रहे हैं घेर में मिस्त्रियों को। तो आज तो इसमें मैंने जैसा पानी डाला था तो आज प्राकृतिक पानी इसमें आ जाएगा। चाचा जी को बोल रही मैं चारा काट लो, कभी लाइट चली जा भाई, बादल बूंदी का ऐसा ही काम हो गया है इसमें, जे देर तक भी गुल रहे हैं और फिर थोड़ा सा भर लेंगे पानी टैंक में, नहीं तो फिर पानी की भी कमी पड़ जा। लो भाई ये तौलिया तो रह गया था, बाकी चूल्हे हरे सब ढक दिए, गुस्से गास्से सब अंदर रख दिए। यानी पिताजी ने कहते इन को बेटी वो भी भिगो दिया, वो भी भिगो दिया, आराम से बैठ के बात बना रही तुम दोनों और माँ कर रही आराम। अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे छोटे बच्चे और बस फिर जो है खाना बनाने की तैयारी करेंगे। खाने में आज प्रोग्राम तड़की तड़ी कढ़ी चावल का बना रखा है इन्होंने, पर मौसम जो है बदल गया, कढ़ी चावलों का नहीं है। मैं तुम्हें कहूँ शिमला मिर्च ली आलू की सब्जी बन जाएगी, जाकर भी खा लेंगे आराम से और टेंशन फ्री, ठीक नहीं है। शिमला मिर्च ली थी ना, और सांझ को बना लेंगे पालक का साग। बारिश आ गई, अब ये सोच रही मैं कपड़े धो तो दिए ना, ऊपर फुला के आने पड़ेंगे, दोबारा काम बढ़ा दिया बारिश ने मेरा तो। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सुकून सा मिल गया, वैसे चल के एकदम कई तकड़ा बरसा हमारे यहाँ छोड़ गए। तो भाई जब बारिश आई तो कुछ ना कुछ तो देखो समस्या भी होगी, अगर ठंडे मौसम का मज़ा लेना तो अरे कपड़ों को ही बता लगी, अरे कपड़ों का काम बच गया, अरे तो बारिश ही ले लो या भाई कपड़े ही सुखा लो, सारे काम एक ही चीज़ में थोड़े हो जाएंगे। 12:30 बज गए और अब
तक तो भाई साफ सफाई का काम निपटा। और साफ सफाई का भाई यो गाँव में भी अपने आप ही गले में सांप गिर रखा लोगों बागों ने। क्यों, पहले गोबरी बिरेदी कच्चा था, दो बार झाड़ू लगावे थे, एक बार सुबह को एक बार शाम को छुट्टी। अब भाई जब पोचा घिसतो घिसतो इसमें आधा दिन बीच में चला जा। एक बार झाड़ू लगाओगे दूसरी बार पोचा तो साथ के साथ दो बार हो जा। मैं यही तो कह रहा, पहले झाड़ू का काम चल जा था, अब पोचा घिसना इस पर बहुत जरूरी। अब देखो थोड़ी मोड़ी देर तो लगती नहीं भाई, यहाँ पे कई सारे रूम बरामदा है। ये तो शुक्र है कि ऊपर फरस वरस डला नहीं, नहीं तो भाई एक आदमी का काम ऊपर रह करेगा पोचे का, एक नीचे का, और फिर नो गए हमारा सारा दिन तक काम नहीं निमटता। अब तक ये कपड़े और पोचे का काम निपटा, बस खाना बनाने का तो अब शुरू होगा। तो बढ़ा रखे नहीं आदमी ने खुद ही काम अपने। अब जब ऊपर रह तो जब ऊपर भी रोज झाड़ू लगाने का मन कर रहा है, बच्चे गंदा कर दे, मैट देख लो तीन चार दिन में कैसा कर दिया था बच्चों ने। वही तो कह रहा, अब जब बिल्कुल साफ पड़ा, जब रोज झाड़ू लगा दू। अगर नमस्ते ऊपर भी फर्श डल गया तो भाई 2,500-3,000 फीट का हो जाएगा नीचे ऊपर मिला के। इतने में देखो एक आदमी को पोचा लगाने में कितना समय लगेगा, तो उसी हिसाब से इसमें आदमियों की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। है नहीं काम बढ़ा हुआ ही हो? नहीं बढ़ा हुआ है, मान गया बात। और तो बात करते करते घेर में घेर की भी तो गणना कर लो, घेर में तो हम करक रोगे। हम करक रहेंगे भाई, कुछ तो पूर्ति करनी पड़ करेगी कहीं ना कहीं को मदद। नमस्ते भाई, नमस्ते। वो नमस्ते कर रहे थे उधर ध्यान नहीं दिया, आ गए हैं बालक भाई। नंदनी कहाँ भाई, खाने लग रही, उसे आगे आगे लेके आ करो, तुम तो भागे हो पहले। राम राम तो कर दो, आज तो करी भी नहीं। राम राम जी। आगे नंदो और आरुषि भी आ गई। आरुषि इधर आओ बेटा। आरुषि भागी, भागी तेज। हाँ पहले चले गई थी। अच्छा। जिम में उतर रहा था, भागी उतरते ही टाई बांध दी अपने पापा। नमस्ते करो मुझे, नमस्ते करो। अरे अरे नमस्ते बेटा जी, इधर आओ। चलो भाई अरे इधर तो आओ तनिक बेटा, आप ऐसे किस शर्मा रहे हो, शाही हो रहे हो। कहाँ जा रही है? थोड़ी सी बूंदा बांदी होते ही से लग गई सर्दी है भाई। कांप रहा था तो स्कूल में भी है? बात कर रहे थे। अरे देखो टोपी ओपी लगा कर ऐसा तार दे, भी बहुत गर्मी है। कह रहा कि अलग कांप रहा था मैं तो स्कूल में भी। तो कितनी सर्दी लग गई थी एकदम से? बादल नहीं आ रहे। बादल तो आ रहे, बादल आने का मतलब सर्दी होगी बहुत। तो चल भाई, क्या नहीं चल रही हवा, चल बारिश भी होगी। हाँ हो रही है धीरे धीरे, तेज ठंड नहीं होगी। हाँ हाँ समझ गया भाई, समझ गया मैं तेरी बात। तो भाई चलो फिलहाल जो है सर्दी से बचाव करते हैं इसका और बाकी बच्चों का भी, और इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। आपसे मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, और सभी को हमारी राम राम।